हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी के तीन अलग अलग नाश्ते की रेसिपी। एक पैन ले लें, 3 से 4 स्पून तेल डाल लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। अब 1 टीस्पून जितना हम इसमें राई डाल देंगे। राई को अच्छे से क्रैकल हो जाने दीजिए। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। करी पत्ता डाल दें। 1/2 टीस्पून हींग डाल दें। थोड़ी सी मूंगफली डाल दें। अब मूंगफली को धीमी आंच पर चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें हम बची हुई रोटी के इस तरीके से टुकड़े करके पैन में डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। अब 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। एक टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दें। अब रोटी को थोड़ी देर तक चलाते रहें, जब तक रोटी क्रिस्पी नहीं हो जाती। इस तरीके से आप रोटी को कड़क सेक लेंगे मसाले में, तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और ये 3 से 4 दिन तक बिगड़ता भी नहीं है। तो जब भी रोटी बचे, इस तरीके से आप नाश्ता बनाकर चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी ड्राई क्रिस्पी मसाला रोटी बनकर एकदम रेडी है। अब इसे सर्व कर लीजिए। अब दूसरी रेसिपी में हम बची हुई रोटी ले लेंगे। इसे इस तरीके से 4 टुकड़े कर लें। एक पैन में तेल ले लेंगे। इसे अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पलटते हुए तल लेंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगती है। रोटी को लाइट ब्राउन होने तक ही तले, नहीं तो रोटी जली हुई लगेगी। इस नाश्ते को आप चाय के साथ ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसे आप 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती। फ्लेम को धीमी करके ही हमें तलना है। इसी तरह सारी रोटियों को तल लेंगे। हमारी क्रिस्पी तली हुई रोटी रेडी है। ऊपर से इन पे चाट मसाला स्प्रिंकल करके अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब हम बची हुई रोटी के खाखरा बनाएंगे। एक तवा ले लें, तवे को थोड़ी देर गरम कर लें। अब फ्लेम को धीमी कर देंगे।
अब एक बची हुई रोटी ले ले। अब भाखरी बनाने वाला डट्टा या फिर कोई भी मोटा कपड़ा आपके पास हो उसे ले ले और रोटी को हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। रोटी के साइड्स को दबाते हुए हम इसे सेकेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे पलटते रहेंगे। खाखरे को लाइट ब्राउन ही रखना है और फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें। आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से इसे सेकते रहे। खाखरा चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप 1 से 2 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये बिगड़ते नहीं हैं। हल्के हाथों से दबाते हुए इसे आप सेक लेंगे। आप देख सकते हैं खाखरा बनने ही आया है, क्रिस्पी दिखने ही लगा है। बीच में ज़्यादा प्रेस ना करें, खाखरा बीच में एकदम ब्राउन और जला हुआ लगेगा, इसलिए हमें साइड्स को ही दबाते रहना है। हमारा खाखरा बनकर रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब खाखरे के ऊपर हम घी लगा लेंगे। ऊपर से मेथी मसाला लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर दे और चाय के साथ इसे सर्व कर ले। हमारा खाखरा बनकर एकदम रेडी है। मेरे चैनल पर बची हुई रोटी से एक और ही बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से चेक करें, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, इसे ज़रूर से ट्राई करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो।